वेलकम। आज हमारे साथ एनिमेशन गुरु श्री वीजी सामंत सर है। सर, आपका मैं स्वागत करता हूँ और ये हमारा भाग्य है कि आज हम आपके साथ हैं। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके करियर के शुरुआती दिनों का आपका क्या अनुभव रहा है? भारत में एनिमेशन ये पहला ब्रिटिश काल में आया था। वो उसका 1942 से एक स्टूडियो स्थापन हुआ था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी टाइम ब्रिटिश का राजवट था और वहाँ से वो करीब करीब 4 साल तक रह गया। उन्होंने एक अच्छा चीज़ किया था कि उन्होंने भारतीय कलाकारों को वहाँ एक मौका दिया सीखने के लिए और प्रोडक्शन के लिए। उसे कई कलाकार, 2-4 कलाकार तैयार हुए। उसके पंडित महाजन करके थे, मिस्टर डॉलिंग करके थे, वागुलकर करके बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे, वैसे और भी एक थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आता क्योंकि उसी टाइम। लेकिन और फिल्म भी अच्छी बनाई वहाँ, वॉर दैट नेवर एंड्स। तो वो फिल्म के बारे में मैं अभी ऐसे शॉर्ट में बताता हूँ। लोगों को ऐसा लगा टाइटल से कि वॉर दैट नेवर एंड, दैट मीन्स 42 का जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसका कुछ अंत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था जी। मैटर ऐसी थी कि भारत में उसी टाइम में मलेरिया सब जगह तर था जी। मलेरिया का जो जम्स जाते थे तो वो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए वॉर कैसा करना चाहिए वो एनिमेशन माध्यम से दिखाया गया। बहुत ब्यूटीफुल फिल्म बनाया उन्होंने कि अटैक कैसे करता है, वो मस्कीटो आते हैं कैसे अटैक करते हैं और उसे बचाव कैसे किया जाता है। दैट वॉज द फिल्म इट वॉज शोन और टाइटल दिया था वॉर दैट नेवर एंड। वो शुरू में था लेकिन दुर्भाग्य से वैसे क्या हुआ कि 46 में वो स्टूडियो बंद किया क्योंकि ब्रिटिश लोगों को ये मालूम हुआ कि अभी अपने को वापस जाना है। तो उसके पहले ही ये सब लोग बंद करके चले गए। उसके बाद स्वातंत्र मिल गया। स्वातंत्र के पश्चात कई साल बीत गए। जवाहरलाल जी थे उसी टाइम हमारे पंतप्रधान थे। एक ऐसा मौका आ गया कि जहाँ जवाहरलाल जी अमेरिका में गए थे, तो अमेरिका में 54 में 54 में, और उसी टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने डिस्नी स्टूडियो को विजिट दिया था। उसी टाइम वॉल्ट डिस्ने हयात थे, दुनिया में थे, तो उन्होंने उनको अपने बग्घी में बैठा के, बग्घी का मतलब घोड़े का गाड़ी होता है, 4 घोड़े का, ऐसा जैसे कि घुमाया पूरा डिस्नेलैंड और सब कुछ दिखाया, फिल्में दिखाया और सब देखने के पश्चात, ये ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं था। पंडित जी को भी मालूम था क्योंकि वो भी, उनका एजुकेशन भी लंदन में और सब प्रदेश में ही हुआ था, तो उसको पता था क्या है। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष जाके वहाँ विजिट देके देखा कि कैसा एनिमेशन किया जाता है, उसका इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है, क्या करें। तो उनके दिल में ऐसा आ गया कि क्यों ना मेरे देश में, क्योंकि मैं पंतप्रधान हूँ, जैसे आज के पंतप्रधान सोचते हैं वैसे उन्होंने भी सोचा कि मेरे देश में कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने एक शब्द वॉल्ट डिज्नी को बोला, वॉल्ट डिज्नी से कहा कि आप लोग कुछ हमारे लिए कुछ मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जरूर, क्यों नहीं करते, ये कला है, कला के प्रति हम हमेशा आगे है, आप शुरू कर दें आपके स्कीम के हिसाब से। तुरंत जब वो वापस आ गए तभी उनके सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी से कहा कि कोलंबो के प्लान के अंडर एनिमेशन स्टूडियो चालू करना चाहिए, एनिमेशन स्टार्टिंग, और उसके लिए से शिक्षा देने के लिए टीचर ले के डिज्नी ने अपना एक कलाकार पेयर विस करके 1956 में भेजा जी। और वहाँ फिल्म डिवीजन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिल्म डिवीजन करके जो सेक्शन था फिल्म डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का, उसी में एक छोटा सा कार्टून पीरियड करके उसकी चालू किया। उसका ट्रेनिंग देने के लिए डिज्नी ने अपना कलाकार, सीनियर कलाकार क्लेयर विक्स भेजा। और उसके अंडर रामोन जैसे कलाकार सीख गए और जो पहले ब्रिटिश कालीन स्टूडियो में 2-3 कलाकार थे वो भी वहाँ जाए रह गए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था। तो उनको मौका मिल गया, चांस मिल गया और वो भी रह गए जी।
उसके अलावा और भी कोई कोई लोग उसमें ज्वाइंट हो गए, लेकिन बात ऐसी हुई कि प्रत्यक्ष में दूसरे सब लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था जी। जो वैसे कहा मैंने कि गवर्नमेंट सर्विस है, चलो ठीक है, तो इतना उसके एनिमेशन ने स्पीड नहीं पकड़ा है। अकेले राममोहन और एक दो लोग बहुत दिलचस्पी लगा से काम करते थे। बेसिकली राममोहन कोई कला बड़ा आर्टिस्ट नहीं था, इज ए क्वालिफाइड, लेकिन साइंस का क्वालिफिकेशन बड़ा क्वालिफाइड, लेकिन चित्रकला में उसकी दिल लगन से उन्होंने इतना ये किया कि सबसे आगे दौड़ गया जी। उसने करके दिखाया कि ये। उसके पश्चात मैं वहाँ ज्वाइन हुआ एक दो साल में, और मैंने जब देखा ये क्या हो रहा है तो मैंने बोला ये नया फील्ड है जिसकी जिसका रास्ता कोई पाँव से ही नहीं हुआ दिखता नहीं, तो वो रास्ते से मैंने चलने चालू किया। हर एक चीज़ में मैंने स्टडी किया दिल लगा के जी। और उसके ऊपर मैंने मेरा कमांड कर दिया जी। इसी वजह करते करते वहाँ से डॉक्यूमेंट्री चालू हो गए। पहला भी उसी टाइम एक फिल्म बनी गई थी, हमारे इक्विपमेंट के अंडर एक कैमरा दिया था एक्मे करके, उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी। वो फिल्म एनिमेशन में नहीं थी, ये पहली थी, वो राधा कृष्ण करके जी। वो कांगड़ा वैली का पेंटिंग था, वो पेंटिंग के बेस के ऊपर भावनगरी जय भावनगरी करके डायरेक्टर थे उन्होंने, वो एक और दूसरे एक कलाकार थे, उन्होंने मिलकर एक फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बन गई जिनको वर्ल्ड में, क्योंकि स्टाइल था वो कांगड़ा वैली स्टाइल था, उसे उनको अवार्ड भी मिला था उसी टाइम ऋषि का। तो उसके पश्चात ट्रेनिंग के पीरियड में बनेंडियर नाम का एक फिल्म बन एनिमेशन बन गई और वो तो शुरू हो गया, लेकिन उसके पश्चात इतने खास कोई नहीं हुआ जब तक रामून थे तभी हुआ। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट लिया और मैं चालू किया, तभी भी और भी मेरे साथ कलाकार थे, उनको भी मैंने सिखाया कैसा क्या गया, और वो करके आगे आगे चल के हमने काफ़ी फिल्में बनी और चलते गए। लेकिन उसके बाद जो कलाकार नए नए ज्वाइन होते थे या कर रहे थे, वो सिर्फ नौकरी चाहिए जी, जॉब चाहिए इसके लिए ज्वाइन हुए, लेकिन उनके दिल में कोई ऐसे ही नहीं था कि जिसे अपने क्योंकि कला प्राप्त करके कुछ करके दिखाना है, ऐसा नहीं किया, बहुत कम, ऐसे वजह से वो कम हुआ। इसके लिए मैंने कहा आपको हिस्ट्री, इसके लिए मैंने चीफ एनिमेटर बन गया, लेकिन 1990 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और कहा कि नहीं, मैं मुझे कुछ बच्चों के लिए करना है। वहाँ से मैं मुक्तता पाई जी। और बच्चों के लिए फिल्म चालू कर दिया जी। तो उसी में भी मुझे अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड मिले, रिकॉग्निशन मिल गया, मेरा नाम सब इधर उधर हुआ, और वो करने से सब जगह इंडिया का सब जगह के ऊपर मैंने एनिमेशन वर्कशॉप किया जी। क्योंकि वो मैं बनाता था वो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को मैंने टेक्निक दिखाया नया नया, तो उसी टाइम के चेयरमैन जया बच्चन जी बहुत खुश हुए, बोला वी विल स्टार्ट एवरीवेयर, एंड आसाम से, त्रिवेंद्रम से, दिल्ली से, यहाँ तक महाराष्ट्र और ये सब, उदयपुर, मध्य प्रदेश, ये सब जगह उड़ीसा, सब एनिमेशन वर्कशॉप लिया गया जी। और बच्चों को ट्रेनिंग दे दिया और ये कला को आगे लाने का कोशिश किया जी। ये हमारा शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन सच्चाई में बड़े इंस्टीट्यूट करके क्लासिकल ट्रेनिंग देना चाहिए, जैसे कि कोई फॉरेन का जॉब या कोई फिल्म या शॉर्ट फिल्म्स या बड़ी फिल्म हनुमान जैसी बन सकी, ऐसे कलाकार कोई नहीं थे जी। लेकिन कोई कंपनी ऐसे थे सॉफ्टवेयर बिजनेस करने वाले थे, उन्होंने उनको एक आदमी ने मेरा नाम बताया और उन्होंने मुझे बुलाया और बोला वी विल ट्रेन द पीपल और बाद में हम चल, और वैसा ही सेलोलैंड टेक्नोलॉजीज ने ये इनिशिएटिव लिया, इसके वजह से मैंने सॉफ्टवेयर में जाके उसका इस्तेमाल करने का सोचा, फ्रांस में गया, सिलेक्ट करके लाया और वहाँ ये इम्प्लीमेंट करके हमारा बच्चों को क्लासिकल एनिमेशन का ट्रेनिंग दिया जी। सिक्स महीने का ट्रेनिंग जी। और करते 250 कलाकार तैयार कर दिए, वही कलाकार ऐसे 5 साल तक सीरियल बनाते थे और हनुमान के ऊपर भी काम करते थे। एट द सेम टाइम्स राममोहन जी ने भी वहाँ एक चालू किया था दूसरा स्टूडियो जीका का, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चला, लेकिन किया था, लेकिन चालू जी। तो इंस्पिरेशन मिल गया यहाँ वहाँ सब लोगों को जी। यहाँ रामोन ने किया, यहाँ मैंने चालू किया,
तो इस वजह से ऐसा गया। लेकिन उसके पश्चात देखा, अनुमान हिट होने के पश्चात हर एक को लगा कि अभी एनिमेशन एनिमेशन कुछ है, तो सॉफ्टवेयर वाले सब कंपनी ने अपने अपने क्लासेस खोल दिया और उसको बाजार बना दिया एनिमेशन का जी। तो क्लासिकल कोई सिखाते नहीं थे, खाली सॉफ्टवेयर बोला ये एनिमेशन है, कुछ हिला तो एनिमेशन, ये डेफिनेशन हो गए और सब लोग दे बिकम विक्टिम ऑफ दैट, राइट सर, ऐसी हुई थी। तो लेकिन मैंने सोचा नहीं, आप चालू कर, इसके लिए मैंने एक पैंस ऑफ करके एक स्कूल चालू कर दिया दादर में, उसी में करीब 200 के ऊपर स्टूडेंट है। उसके बाद और भी 2-3 साल के बाद दूसरा बड़ा स्कूल किया, तो शारदाश्रम विद्या मंदिर में स्कूल ऑफ एनिमेशन करके क्लासिकल किया, उसका एजुकेशन प्रोग्राम तैयार किया, सब कुछ किया, सॉफ्टवेयर सब कुछ ला कर क्लासिकल बेस के ऊपर ट्रेनिंग कर दिया और उसी वजह किया। लेकिन एक चीज़ मालूम हुई अब तक कि फिर भी बच्चों को ऐसा है कि शॉर्ट कुछ जल्दी होना चाहिए, मेहनत लेने के लिए कोई तैयार नहीं है ऐसे। उनके पेरेंट को ऐसा लगता है कि जितने जल्दी मेरा लड़का कमाएगा तभी अच्छा है, कमाएगा लेकिन वो 2000 रुपये कमाएगा, अगर आप 20,000 चाहते हैं तो तुमको 2 साल तक स्टडी करना चाहिए जी। 60,000 4 साल तक मेहनत करो, 60,000, क्योंकि मैंने बोला देखिए मेरे स्टूडेंट है वेगड़े स्टूडियो में, वेगड़े देशों में है, सब जगह पर है, इंडिया में, लेकिन वो उनका मेहनत है जी। वैसे आप तैयार है तो नहीं, उनको शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट से नहीं होता है जी। कौन सी भी कला शॉर्टकट से नहीं मिलती है, गाना सीखना है तो मैंने बोला पहला जो मेन रास्ता होता है वो अपने को मालूम होना चाहिए, दिस इज द मेन रोड टू द डेस्टिनेशन, तो मैं बाईपास रोड तुम ढूंढो जी, यू कैन डू इट। सिमिलरली हमारे एनिमेशन में जो मेन एजुकेशन है क्लासिकल है, सीख लो, उसके पश्चात शॉर्टकट तू निकाल सकते हैं, तो यू बिकम्स ए मास्टर ऑन दैट जी। तो समझो एक साइकिल बनाना है तो कैसा बनाने का, 3 ड्राइंग का हुआ तो बस पंखा फिरता है, लेकिन उसके पहला क्लासिकल बेस क्या है वो पहला सीखना चाहिए, शॉर्टकट तुम बाद में निकाल सकते हैं जी, दिस इज द वे, ऐसा है। लेकिन आजकल ऐसा दिखता है कि पेरेंट्स और बच्चों को वो दिल लगा के जो मैंने कहा डिटर्मिनेशन चाहिए, यस आई वांट टू डू इट, डेफिनेटली उनको दुनिया में कहीं भी ऐसी चांसेस है कि वहाँ उनको अच्छा सैलरी मिल सकेगा जी। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने शिक्षा लेनी जरूर चाहिए, क्लासिकल सीखना चाहिए, बड़ी अच्छी कला है, इसमें ऐसी सीमित नहीं कि कोई ऐसे एड फिल्म बना सकता है, हिस्टोरिकल फिल्म, एजुकेशनल फिल्म, फिलोसॉफिकल फिल्म, डिफेंस फिल्म, एस्ट्रोफिजिकल फिल्म, सब सब्जेक्ट के ऊपर, गाने का ऊपर भी तुम बना सकते हैं सब कुछ जी। इतना एनिमेशन ये सब कुछ सिखा सकते हैं, मेडिकल साइंस के लिए मैंने खुद बनाया जी। उसके नेशनल अवार्ड भी मिले वो डायरेक्टर को, मैंने एनिमेशन बनाया ओडीसी के ऊपर, मैंने पहले फिल्म बनाया उसको नेशनल अवार्ड डायरेक्टर को मिला, एनिमेशन का देखा है कैसा होता है क्या होता है। उसके बाद ये तो ये जो चीज़ है ना तो ये एनिमेशन माध्यम से, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, कौन समझाता है नहीं, मैंने आर्टिकल काफ़ी लिखे बहुत है जी, लेकिन अब तक अभी अभी जैसा ऐसा देखा तो लोगों में ये होना चाहिए कि। और सर विद्यार्थियों के लिए आपका क्या मैसेज है? वही विद्यार्थी के लिए कि ये कि उन्होंने ये अच्छा मीडिया है जी, इसका शिक्षा जरूरत मेहनत लगे करना चाहिए जी, उसके लिए अपना आसन स्थिर होना चाहिए जी, और मैंने जो कहा हुआ इस हिसाब से एक डिटर्मिनेशन उन्होंने खुद करना चाहिए जी, डैडी मम्मी मैं ये सीखूंगा मैं ये करूंगा ऐसा इशू से जी, और वो हिसाब से उसने वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का, और डिटर्मिनेशन होने के पश्चात निश्चय होने के पश्चात उसको डिवोशन करके लेने का, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, यहाँ वहाँ नहीं देखने का, दूसरे लोग क्या करते हैं वो नहीं देखने का, बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट्स, उसके लिए तुम तीसरा डी का इस्तेमाल करो, वो भी डिसिप्लिन, कोई किसी ने बोला तो नहीं छोड़ के नहीं जाएगा जी सर कम, तो अगर ये करेगा तो अच्छी का अच्छा सैलरी अच्छा पैसा धन कमा सकेगा, अपना नाम भी रोशन कर सकता है जी, उसका टाइटल फिल्म में आएगा, पूरा विश्व में पूरा जग में दुनिया में जाएगा जी, लेकिन सब लोगों का नाम दुनिया में नहीं जाता है, जो फिल्म में काम करने वाले जो लोग हैं वही कलाकारों का नाम
जाता है, भले वो रिकॉर्डिस्ट हो, फोटोग्राफर हो या कोई हो, उसका नाम दुनिया में जाता है, क्योंकि उसकी कला के प्रति वो उसका मिलता है और वो मालूम पड़ता है ये किसका फोटोग्राफी है, किसका साउंड है, किसका म्यूजिक है, उसका संगीत है, क्या है, किसका एनिमेशन है, हु हैज डन इट, कौन सा कंट्री, ये जाता है वो हिसाब से उसे पता है। जी सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि डिवोशन और अनडिटर्मिनेशन। जी सर, सर आज आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे, हम आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू। आई शुड से दैट कि आपने मुझे चांद देके दो शब्द कहने के लिए कहा, मुझे मौका मिल गया, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बच्चों के कहने के ऊपर गया, वो मेरे वैसे शायद दे विल फॉलो इट और करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।